असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीस देता है। कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। पीओके के लोग पाकिस्तानी हुकूमत से आजादी मांग रहे हैं। वो लोग भारत के साथ आना चाहते हैं। खुद पीएम मोदी का भी मानना है कि पीओके को पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। उन्होंने इस बार पीओके पर अपने मन की कसक भारत के जाबाज सैनिकों के बीच बयां की। पीएम मोदी का दो टूक संदेश यही था कि भारत पीओके को इमरान के चंगुल से आजाद कराने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दिवाली सरहद वाली थी, जहां भारत के जाबाजों का मुंह मीठा कर उन्होंने अगली दिवाली का एजेंडा भी साफ कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी रजौरी में थे, जहां से पीओके का मुजफ्फराबाद सिर्फ 125 किलोमीटर दूर है। यहां से उन्होंने जो हुंकार भरी, उसका संदेश यही था कि अगली दिवाली भारत के रणबांकुरे पीओके में ही मनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत को कसक देता है। कि मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हो, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे जो कहा वो पाकिस्तान के होश उड़ा देने के लिए काफी था। भारत माता के जयकारे लगाते फौजियों के बीच पीएम ने नए भारत का विजय मंत्र बताया। कहा, जिनके बाजुओं में दम और जिगर में हौसला हो, वो फिजूल की बातों में वक्त बर्बाद। भारत कभी भी किसी को अपना रुबाब नहीं दिखाता। हमें पता है कि हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां ऐसे वीर जवान खड़े हो, इसलिए आज आपके पराक्रम सुनाई देते हैं और उधर से न जाने कैसी कैसी भाषा कानों पे आके पड़ती है। आपका सामर्थ्य। प्रधानमंत्री मोदी ने ना तो पाकिस्तान का नाम लिया और ना ही इमरान खान का, फिर भी पाकिस्तान को पीएम मोदी के नाम का दौरा पड़ने लगा। कश्मीर दिवस के नाम पर इमरान खान ने पाकिस्तान और पीओके के लोगों को जो संदेश दिया, उसी से साफ था कि इमरान के सिर पर प्रधानमंत्री मोदी का हवा सवार है। नरेंद्र मोदी ने जब दूसरी दफा इलेक्शन जीता तो 5 अगस्त को, जिस तरह हम सब जानते हैं, इन्होंने कश्मीर के ऊपर कर्फ्यू लगा दिया और कर्फ्यू लगा के सारे उनके बुनियादी इंसानी हकूक खत्म कर दिए। और आज तक हमें ये नहीं पता कि कश्मीर के अंदर असल में हालात क्या हैं। खबरें थोड़ी सी निकलती हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि असल में कश्मीर के लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। इमरान खान के सिर पर पीओके जाने का खौफ इस कदर छा गया है कि वो अब आतंकवादियों को भी यही समझा रहे हैं कि भारत की ओर देखना भी मत, वरना प्रधानमंत्री मोदी और भारत की सेना पूरे पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देगी। जहाद कश्मीर में शुरू कर दें हम, और या पाकिस्तानी फौज चली जाए कश्मीर में, या हमें हथियार उठाने चाहिए। बड़ी गौर से मेरी बात सुन लें, जो ये बात कर रहे हैं वो कश्मीरियों से भी दुश्मनी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से भी दुश्मनी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही हिंदुस्तान चाहता है। हिंदुस्तान ने जो 9 लाख फौज कश्मीर में रखी हुई है, वो दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं रखी, वो कश्मीर के लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए रखी हुई है। ये
ये वही पाकिस्तान है जो कल तक जम्मू कश्मीर को जिहाद के नाम पर आतंक की आग में जलाता था और आतंकवादियों को उकसाने का कोई मौका नहीं चूकता था। इमरान खान को अब ये बात समझ में आ चुकी है कि जम्मू कश्मीर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो पीएम मोदी का कहर पूरे पाकिस्तान पर टूटेगा। पाकिस्तान में जो भी समझदार लोग हैं उन्हें ये भी दिखने लगा है कि पीओके उनके चंगुल में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। 25 साल पहले भारत की संसद ने संकल्प लिया था कि पीओके भी भारत का अभिन्न अंग है और अब भारत की ही सरकार ही नहीं बल्कि सेना भी उसी संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 72 साल पहले जम्मू कश्मीर में मोर्चा संभालने वाली भारतीय सेना का मिशन कश्मीर पूरा तभी होगा जब पीओके में तिरंगा लहराएगा। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये तारीख बेहद खास है। 72 साल पहले 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह हड़पने के पाकिस्तान के मंसूबों को अपने शौर्य और साहस के दम पर नाकाम किया था। बहत्तर साल बाद उसी जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली की खुशी के साथ भारतीय सैनिकों की वीरता का इतिहास भी याद। उन्होंने बताया कि 5 साल में भारतीय सेना ने देश के दुश्मनों को पैगाम दे दिया है कि वो क्या कर सकती है। पिछले 5 साल में देश बड़े गर्व के साथ, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे आतंकवादियों के ठिकानों की सफाई करने का काम हो, किसी भी मोर्चे पर आपने तस्सू भर भी कमी नहीं दिखाई है। देश गौरव कर सके ऐसे पराक्रमों की गाथा गत 5 वर्ष में आपने करके दिखाई है। प्रधानमंत्री ने सेना को पराक्रम की याद इसलिए दिलाई क्योंकि जम्मू कश्मीर में सेना का जो मिशन 1947 में शुरू हुआ था उसे पूरा करना अभी बाकी है। दिवाली से 2 दिन पहले भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने खुलकर कहा था कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को भी पाकिस्तान के आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाना और वहां भी तिरंगा लहराना अभी बाकी। एंड व्हेन वी से द जम्मू एंड कश्मीर, द कंप्लीट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हिच इंक्लूड्स पीओके एंड गिलगित बाल्टिस्तान, देयरफॉर पीओके एंड गिलगित बाल्टिस्तान becomes an occupied territory, a territory which has been illegally occupied by a western neighbor. 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से ही पाकिस्तान छाती पीट रहा है क्योंकि उसे पीओके अब हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। उसके कानों में भारत के गृह मंत्री अमित शाह का वही बयान गूंज रहा है कि पीओके भी भारत का अभिन्न अंग था और हर कीमत पर फिर से भारत का हिस्सा बनेगा। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साइटिन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। इमरान खान तभी से बेचैन, वो पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा चुके हैं कि भारत के साथ बातचीत करवा दो। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके जवाब में पीओके को भारत में शामिल करने का एजेंडा आगे बढ़ा दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए, किस बात पर बात होनी चाहिए, कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए, क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। भारत में सरकार और सेना दोनों की टॉप लीडरशिप ने
बीते चार महीने में पीओके पर जितने सीधे और सपाट लहजे में बात की है उसे देखकर किसी को शक नहीं कि बहुत जल्द पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जुल्म अब उनकी बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। पीओके के लोग भी अब दिवाली मनाना चाहते हैं, तिरंगा लहराना चाहते हैं, और उन्हें भी उम्मीद है कि अगली दिवाली पीओके में भी खुशहाली वाली होगी।